नमस्कार, मैं हूं वारिस खान और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस जन जागरण यात्रा खरगोन पहुंची, विधायक जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बिगंगा पुलिस के हाथ लगा 4 किलो से ज्यादा अवैध गांजा, एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ समारोह सम्पन्न। जिले के गोगांव में आम मतदाताओं को ईवीएम मशीन के द्वारा जानकारी दी गई। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस की जन जागरण यात्रा लेकर खरगोन पहुंचे कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिवराज की यात्रा को प्रदेश सरकार की विदाई यात्रा बताया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिवराज सरकार की योजनाओं की पोल खोलने के लिए कांग्रेस के नेता प्रदेश भर में जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। मंगलवार को जन जागरण यात्रा रात 9 बजे खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट पहुंची। यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को झूठी करार दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज ने प्रदेश की जनता को ठगा है। आपको ये तमन्ना मोदी जी ने दिया है। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई, उसमें कहा मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे स्थान पर है कानून व्यवस्था। फिर भी आपको आशीर्वाद चाहिए, किस बात का आशीर्वाद? आप ये बताओ कि आपने 14 साल में काम किए होते तो आपको दर दर भटकना क्यों पड़ रहा? और अगर दर दर भटक रहे हो, आपने कौन से पाप किए हैं तो आपको आशीर्वाद दे। मुझे बताओ मुख्यमंत्री जी, कि ये धन बर्बाद जो यात्रा आपने की, इसको 40 फीट ऊंचे 2.5 करोड़ के रथ पर सवार होकर आते हो। हिंदू परंपराओं में आशीर्वाद मांगने वाला नीचे झुका हुआ सर झुकाए और पेट झुका हुआ, आप 40 फीट ऊपर आशीर्वाद देने वाला नीचे होता है ऊपर होता है? ये आशीर्वाद देने आए हैं लेने आए? मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताओ कि आपको आशीर्वाद किस बात का दें? इस बात का कि आपके राज में कई तरह के कांड हुए, कई घोटाले हुए, घोटाले इतने व्यापम का घोटाला, नर्मदा घोटाला, सेवा यात्रा, मध्यान्ह भोजन घोटाला, प्रतिनियुक्ति का घोटाला, राशन का घोटाला, खनन का घोटाला, छात्रवृत्ति का घोटाला, शराब घोटाला, आवास घोटाला, शौचालय घोटाला, आदिवासियों की जमीन घोटाला, सिया महाकाल की नगरी का पावन कुंभ का घोटाला, बिजली खरीदी का घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला और डंपर घोटाला। मुख्यमंत्री जी, ये कौन कौन थे आपके इतने घोटाले मेरे याद में? जनता भाजपा सरकार के फरेब में नहीं आने वाली। मतदाता आगामी चुनाव में शिवराज को सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह प्रदेश भाजपा और मुख्यमंत्री की विदाई यात्रा है। जन जागरण यात्रा का अंतिम पड़ाव खरगोन में आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आपके माध्यम से पूरी निमाड़ की जनता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे जैसे छोटे से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए जितना स्वागत सत्कार और सर माथे पे लेकर मुझे स्वीकार किया, मैं समझता हूँ यह पूरी जिंदगी मेरे लिए एक ऋण के रूप में है। मैं अंतिम सांस तक निमाड़ की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, प्रेस के हमारे मित्रों, मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में विधानसभा बार जा रहे हैं। हमारा सवाल है, मुख्यमंत्री जी आपको किस बात का आशीर्वाद दें? इस बात का कि आपके राज्य में 9000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, या इस बात का कि 7000 युवा बेरोजगार एक साल में आत्महत्या कर लेते हैं? आपको इस बात का जन आशीर्वाद दें कि आपके राज्य में हमारे परिवार की 5000 बच्चियों पर साल में जाती होती है, बलात्कार होता है, या इस बात का कि आपने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम निचले स्तर पर ला दी? मुख्यमंत्री जी, आपको इस बात का जन आशीर्वाद मिलना चाहिए कि आपने 1,90,000 करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को ले गए, या इस बात का आपको जन आशीर्वाद मिले कि कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 ला दिया? ऐसी तमाम बातें
जन जागरण के रूप में हम आम जनता से कर रहे हैं और जनता स्वीकार कर रही है। मैं समझता हूँ आशीर्वाद मुख्यमंत्री को मिलेगा, 100% मिलेगा, 1,00,000% मिलेगा, पर विदाई का मिलेगा, अंतिम बार मुख्यमंत्री बनने का मिलेगा, ये भाव पूरी यात्रा में जागरण। हमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवि जोशी, प्रदेश कांग्रेस सचिव विजयलक्ष्मी साधो सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संविधान में भरोसा करती है कांग्रेस पार्टी, आरक्षण को लेकर या ST/SC एक्ट को लेकर अपने विचार दिल्ली से लेकर प्रदेश तक स्पष्ट कर चुकी है। मेरे विचार भी उसी में है। भारतीय जनता पार्टी, उनका विचार और उनकी सोच हमेशा से दलित विरोधी रही है। ये पहला कदम है उनका, आने वाले समय में और इस तरह की वो वारदातें करेंगे। मैं दलित भाइयों से अनुरोध करता हूँ, सजग हो, देखो, समझो और सही लोगों को चुनो। मुख्यमंत्री को 54% दिया गया है और सिंधिया जी को 5% दिया गया, तो क्या लगता है आप गलत है क्या? मैं सर्वे किसी भी अखबार या मीडिया का आता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहता, पर जनता का सर्वे आज आया है। 19 जगह चुनाव हुआ, 4 जगह बीजेपी जीती, 1 जगह निर्दलीय जीता, बाकी जगह कांग्रेस जीती। सर्वे आपके सामने है, मीडिया में क्या आया, किस अखबार में क्या आया, अपनी जगह सत्यता हो सकती है, मैं उसको चुनौती नहीं देता हूँ, पर जनता का सर्वे भी है। यादव जी थे, बाला बच्चन जी थे, आज विजयलक्ष्मी साधो जी थे, राहुल भैया अजय सिंह थे, एक दिन कमलनाथ जी ने चालू किया, समय समय पे आज रवि जोशी जी है, हमारे दंडीर साहब है, सब है। जन जागरण जनता के लिए है, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बताने के लिए है। कौन इसमें और कौन इसमें नहीं है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि इनके झूठ का पर्दाफाश कैसे हो। बावरिया जी को लेकर क्या बयान देंगे? बावरिया जी, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री किसे प्रोजेक्ट कर रही है, कैसे पता लगेगा? सही समय पे हम मुख्यमंत्री को बताएंगे भी और आपको बुलाएंगे भी। आप शपथ विधि में आने के लिए कपड़े सिला लो, कांग्रेस का ही बनेगा। खरगोन जिले के भिकन गांव में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने भिकन गांव से एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। खरगोन जिले में अवैध हथियारों के मामले में आए दिन पुलिस कार्यवाही होती रही है। क्षेत्र में मादक पदार्थों मुख्य रूप से गांजा तस्करी के भी कई मामले सामने आए। बीते दिनों भिकनगांव पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भिकनगांव निवासी अनिल पिता किशोरी लाल उसके कब्जे से 4 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी अनिल अपने घर में अवैध रूप से गांजा इकट्ठा कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती ने कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की बात भी कही है। भारत प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक मूल्यों के पालन की शिक्षा छात्र संगठन के जरिए स्कूली जीवन में ही मिलना शुरू हो जाती है। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल खरगोन में छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोग अपनी क्लास में अच्छा काम कर प्रजातंत्र और एक नागरिक के दायित्व, उसका शक्ति बोध, उसका कर्तव्य बोध, इस बारे में आदरणीय मनोहर सर और जीते सर ने आपको विस्तार से बताया। मैं सिर्फ आपको 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हम उस चाणक्य के देश के नागरिक हैं, उस कूटनीति राजनीति जो दुनिया में आज भी सर्वोच्च है, जिसका आज भी दुनिया अनुपालन कर रही है, हम उस देश के नागरिक हैं। उन्होंने भी छोटे छोटे गणराज्यों को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्वरूप दिया था अपने उसी राजनीति के तहत, और उन्होंने सबसे पहले इसके लिए सर ने जो आपको दाता और याचक वाली बात बताई कि एक नागरिक जो है दाता है, लेकिन वो आज की राजनीति में याचक के रूप में खड़ा, क्योंकि उसको अपना शक्ति बोध नहीं है, उसको अपने नागरिक के जो कर्तव्य, नागरिक के जो अधिकार है उसका बोध नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि इस गणराज्य के लिए जो अधिपति हम नियुक्त कर रहे हैं, गणराज्य के लिए जो हम अपने नेता नियुक्त कर रहे हैं, वो हम स्वयं कर रहे हैं, ये हमारी मत की शक्ति से बन रहा है। मेरा इसका मतलब आप उल्टा ना लें कि क्लास में कोई भी खड़ा हो गया, उसने बोला कि मॉनिटर हमने बनाया, लेकिन सबसे पहले कि आप नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और अगर आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उसका पालन नहीं करता है तो आप उससे सवाल करने के अधिकारी हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर नागरिक को, हर छात्र छात्रा को सबसे पहले उस अनुशासन का और डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा जो शासन के द्वारा उसको प्रदत्त किया गया है, उसको दिया गया है। अगर उसका ठीक ढंग से पालन करता है और उसका प्रतिनिधि उन कर्तव्यों का पालन करता हुआ नहीं दिख रहा है,
तो उसके ऊपर एक शक्ति और है, शिक्षक। शिक्षक से हम उसके बारे में बोलते हैं। अगर वो शक्ति कहीं दिखती है तो एक और शक्ति है हमारे पास, प्राचार्य, हम उनको शिकार करते। इसी प्रकार से भारत देश की भी एक जो व्यवस्था बनाई गई है, एक प्रणाली है, उसमें भी इसी प्रकार से प्रिंसिपल हमारे लिए राष्ट्रपति की भूमिका में है, क्लास टीचर हमारे लिए प्रधानमंत्री की भूमिका में है, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधायक और सांसद की भूमिका में है, और हम उस नागरिक की भूमिका में है जो इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और जनता को याचक बनने की आदत छोड़ना पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रजातंत्र का रूप यहाँ रखा, वो जनता को एक दफे वोट लेकर के और इनको जो दाता था उसको याचक बनाने की प्रक्रिया कर दी है। इस सिनेरियो को बदलने के लिए आप बच्चों से उम्मीदें हैं, आप कैबिनेट से उम्मीद है, आप ही बड़े होकर के ये नया काम करेंगे। हम हमारे सामर्थ्यवश जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, पर असली काम आपको करना है। जो बैठे हुए उनको भी करना है, जो खड़े हुए और कैबिनेट पे चुन लिए गए उनको भी करना है। नए तरीके से सोचना सीखे, देश के लिए सोचना सीखे, वो जिस पर सबका भला हो, देश आगे बढ़े, सबका नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, और दुनिया के बाद में और कहीं दुनिया अगर इस ग्लोब में है तो बाकी ग्लोब में जो दुनिया नहीं होगी वो उम्मीद करें कि हम भी उस दुनिया में जाएं जिसमें भारत जैसा देश है, चाहते हैं अच्छे बच्चे रहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी संस्था के संचालन के लिए हम कोई एक अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। किसी कोई सी भी संस्था होती है उसमें एक संचालन समिति होती है बहुत सारे लोगों का। तो हमारे यहाँ जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले राजे रजवाड़े हुआ करते थे, अनेक रियासतें थी, राज्य थे, उन राज्यों में राजा हुआ करते थे, और वो राजा में क्या योग्यता है इससे कोई मतलब नहीं होता था। वो बलशाली होता था, उसके पास धन होता था और वो जनता का राजा हुआ करता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश के जो कर्णधार थे जिन्होंने आजादी का सपना देखा था, उस समय भारत में क्या व्यवस्था हो, शाही व्यवस्था हो, लोकशाही हो, दोनों तरह की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने अपना मन बनाया। लेकिन अंततः हम लोकतंत्र की ओर गए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम सबके बीच में से हम राजा चुनते हैं, राजा ऊपर से छुपा हुआ नहीं रहता है। तो हम लोगों के बीच से जब चुनाव होता है और हम हमारे ही अपने लोगों का नेतृत्व करते हैं तो सामाजिक कल्याण के कई काम होते हैं और उस समूह का एक सामूहिक विकास होता है। खरगोन जिले में आम मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट मशीन के जरिए जानकारी दी जा रही है। गोगांव में जानकारी के लिए तैयार रथ पहुंचा। तहसील मुख्यालय गोगांव में ईवीएम मशीन लेकर रथ पहुंचा। रथ में बीएलओ सहित 4 व्यक्तियों का दल शामिल है। आम मतदाताओं को वोटिंग मशीन और उसके साथ संलग्न वीवीपैट की जानकारी और कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। इसके जरिए वोटर यह देख सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो वोट मिला है या नहीं। रथ के साथ टीम में बीएलओ चंद्रकांत सत्य और जन शिक्षक रईस खान सहित अन्य लोग शामिल हैं। ईवीएम मशीन जो है इसमें वीवीपीएटी एक नई मशीन जो लगी है, इसमें क्या है कि पहले जो है आप वोट डालते थे तो वो आपको मालूम नहीं पड़ता था कि किसमें जा रहा है, लेकिन अब जो मशीन जो लगी है नई, आप जिसमें भी वोट डालेंगे उसकी स्लिप आप सामने 7 सेकंड के लिए ग्लास में देख सकते हैं कि आपने जिसमें वोट डाला है वही वोट उसी में स्लिप गिर रही है। इस प्रकार आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा वोट जिसको देना चाहिए उसी को जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। आलो से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी
जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। विश्व आदिवासी दिवस, इस दिन हम याद करते हैं भारत की महान परंपराओं और उन महान लोगों को जिन्होंने इन परंपराओं को धरोहर के रूप में संजोकर रखा है। देश की आज़ादी में वीर बिरसा मुंडा, टंट्या मामा जैसे नायकों की वीरता के आगे हम नतमस्तक हैं। भारत का आदिवासी समाज धन्य है जो आज भी अपनी महान परंपराओं के साथ देश की मिट्टी से जुड़ा है। यह आदिवासी समाज हमारे देश की पहचान है। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई। जय आदिवासी, जय भारत।